हिमाचल प्रदेश के इन सुंदर सुंदर पहाड़ों से मैं संजय सकलानी आप सभी दोस्तों का पहाड़ी कुकिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बनाएंगे लोबिया और रोंगी की दाल। पहाड़ी कुकिंग में आज की हमारी दाल है रोंगी या लोबिया के नाम से जानी जाती है। ये दाल उत्तर भारत में इसे रोंगी के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में अक्सर इसको लोबिया के नाम से जाना जाता है। तो आओ दोस्तों लगाते हैं आज लोबिया की दाल को पहाड़ी स्टाइल में एक साई तड़का। एक बाउल में मैंने मैक्रोनी ले ली है। मैक्रोनी के साथ हम लोबिया की दाल को बनाएंगे। दो बड़े प्याज ले लिए, दो बड़े टमाटर ले लिए, ग्रीन कोरिएंडर सीड लिया हुआ है और ग्रीन चिल्ली ली हुई है। इनको चॉप करेंगे और फिर 200 ग्राम मैंने यह में लोबिया ले लिया है और इसे अच्छी तरह से ओवरनाइट भिगो लिया है। साथ में मैक्रोनी, दो बड़े प्याज ले लिया, दो बड़े टमाटर ले लिया, ग्रीन चिल्ली कोरिएंडर सीड का यूज़ हम करेंगे। प्याज टमाटो को मैंने कस किया हुआ है, आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन मैंने कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं मोटा मोटा रखा हुआ है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं प्याज और टमाटो को। ग्रीन चिल्ली को फाइन चॉप किया हुआ है, साथ में कोरिएंडर सीड को चॉप किया। अब मैं मसाले लूँगा। सबसे पहले कोरिएंडर पाउडर लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर जो कलर के लिए होता है, अजवाने लेंगे, साथ में गर्म मसाला लेंगे और थोड़ा सा वाटर डालूंगा इनमें और अच्छी तरह से मिला लेंगे हम सारे मसाले जितने भी हमने एक बाउल में इकट्ठे किए। दाल हमारी बॉइल हो गई है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। पैन को मैंने गैस टॉप में रख दिया। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल हम डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा लूँगा मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। उसके साथ कोरिएंडर सीड और ब्लैक कार्डमम डालूंगा, रेड चिल्ली साबुत डालेंगे और इनको थोड़ा स्टर करेंगे, अच्छी तरह से इनको कुक करना है। जीरे का इस्तेमाल फ्लेवर के लिए करेंगे, साथ में मेथी भी डालेंगे, बहुत बड़ा फ्लेवर आता है इनका। अच्छी तरह से इनको कुक करना है, हल्का इनको सेकना है, जलाना नहीं है। साथ में जो मसालों का मिक्सर हमने बनाया था अब इसको हम तड़के में डाल देंगे और अच्छी तरह से इन मसालों को कुक करना है। हमने वाटर भी डाला है, जब तक ये गाढ़ा नहीं होते तब तक हमने कुक करना है। अब हम अनियन का प्रयोग करेंगे मसालों में और अनियन को अच्छी तरह से कुक करना है। इसको कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अगर कच्चापन अनियन में रहेगा तो फिर फ्लेवर नहीं आएगा। थोड़ा सा सॉल्ट का प्रयोग करूंगा, इससे हमारा अनियन अच्छी तरह से कुक भी होगा और गल भी जाएगा। आपने स्टर इसको करते रहना है, बिल्कुल चलाते रहना है। गार्लिक का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और गार्लिक को भी पूरा कुक करना है, बिल्कुल भी कच्चापन आपके गार्लिक में नहीं रहना चाहिए तो फ्लेवर बिल्कुल आपका बिगड़ जाएगा। पूरी तरह से आप मसाले को स्टर करते रहें और कुक करें, ऑयल रिलीज होने का वेट करें। जो ऑयल ऑब्जर्व किया है हमारे मसालों ने उसको हमने पूरी तरह से रिलीज करना है, तभी हमारे तड़के में वो फ्लेवर आएगा। मसालों को आपने स्टर करते रहना है, बस इतना समझना कि जैसे गली में कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया हो उसी तरह से घुमाते रहना है। साथ में टमाटो का प्रयोग भी हम करेंगे और टमाटो को भी अच्छी तरह से पकाना है। इसको स्टर करते रहना है, घुमाते रहना है, बस आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। मेरा मेन मकसद ये है बताने का कि आपका तड़का जलना नहीं चाहिए, इसको स्टर करते रहना है। जितना ज़्यादा आप स्टर करेंगे, जितना ज़्यादा इसको दौड़ाएंगे, उतना ही आपके तड़के में एक सही फ्लेवर आएगा। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से बनाएं तो आपका लोबिया, आपकी रोंगी की दाल एक बहुत लजीज आइटम बन जाएगी। कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी हम फ्लेवर के लिए करेंगे और थोड़ी देर इसको हल्का हम कुक करेंगे। ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से कुक हो रही है और ऑयल को भी हम पूरी तरह से रिलीज कर रही है, आप देख सकते हैं। ऑयल को हमने पूरी तरह से रिलीज करना है इस ग्रेवी से, तभी ही हमारे तड़के में एक अच्छा फ्लेवर आ पाएगा। और आप देख सकते हैं ऑयल हमारा रिलीज हो गया और ग्रेवी हमारी कुक हो गई है। अब हम लोबिया या रोंगी की दाल को उढ़ेल देंगे और इसको 5 से 7 मिनट हम कुक करेंगे तड़के में। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर सीड का फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करूँगा और फिर हम 2 से 3 मिनट इस रोंगी की दाल को, लोबिया की दाल को ढक्कन बंद करके कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट कुक होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का कलर हमारी दाल का आया हुआ है, ग्रेवी भी हमारी काफ़ी थिक बन गई है। अब इसमें हम मैक्रोनी को डालेंगे और मैक्रोनी को भी 2 से 3 मिनट कुक करना है। मैंने ऑलरेडी मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था, अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट भी आप कुक करेंगे तो चलेगा।
दो से तीन मिनट हमारी दाल कुक हो गई है, अब इसको सर्व करने की बारी है। तो मैंने एक प्लेट रख दिया, इसमें दाल को उढ़ेल दिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हमारी दाल लग रही है। तो बहुत इजी तरीके से आज मैंने आपको लोबिया या रोंगी के नाम से जिस दाल को जाना जाता है उसको बनाना सिखाया। आप इसको चावल के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, परांठे के साथ खाने का मजा ले सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए हो तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, उनको भी बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही स्वादिष्ट दाल इस तरीके से बनती है जिस तरह से मैंने आपको बताई। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों तो अब है खाने की बारी। तो अब खाने का आनंद घर में फैमिली के साथ बैठकर मैं ले रहा हूँ, आप सभी दोस्त भी आ जाएं और खाने का मजा लें।